दोस्तों, मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक। अभी अभी एक सूचना मिली और हम जो है यहाँ तुरंत यहाँ पहुँचे। मामला क्या है अभी मैं आपको बताऊँगा। मैं इस वक्त में जीबी पंत हॉस्पिटल के जो पार्किंग प्लॉट है हमारे कैंटीन के ठीक पीछे की ओर, यहाँ पे एक व्यक्ति है जो बुज़ुर्ग हैं, करीब 70 से 75 साल की उम्र होगी उनकी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 4 दिनों से यहीं पे पड़ा हुआ है और कोई भी आगे बढ़ कर के उनके पास नहीं आ रहा है, ना ही पूछ रहा है, ना ही उनकी कोई व्यवस्था की जा रही है। वो लाचार अवस्था में यही पड़े हैं। कौन है, उनके फैमिली में कोई है अथवा नहीं है, चलिए पूछते हैं। और हम ये भी कह रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे इसी वक्त तुरंत उनकी व्यवस्था भी की जाए और आपको जानकारी भी देंगे कि व्यवस्था क्या की गई है। डायरेक्टर सोशल वेलफेयर से भी बात करने की कोशिश करेंगे। पहले हम जान ले कि इनके परिवार में क्या है, तकलीफ़ क्या है और ये क्यों यहाँ है और कितने दिनों से है, उसके बाद क्या किया जा सकता है, हम वो भी प्रयास करेंगे और आपको जानकारी देंगे। बाबा, आप यहाँ लेटे क्यों हो, कब से हो यहाँ? हम चलने नहीं सकते, कहीं जगह चलने नहीं सकते हैं, कोई जगह चलने नहीं सकते। घर में कौन है आपका? कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है। आप कहाँ रहता था, यहाँ हॉस्पिटल में कैसे पहुँचा? हम और क्या बोले, आपको तकलीफ पे हम कोई जगह नहीं जाने सकता। अच्छा, आप वैसे बाबा कहाँ रहता था, आप इससे पहले कहाँ रहता था? कहीं भी नहीं रहता, ऐसे ही रास्ते पे? हाँ, ऐसे रास्ते पर इधर उधर रहता। मेडिकल में आप ऐसे ही पहुंच गए यहाँ? हम गया, हम लोग कुछ व्यवस्था करें आपका, कुछ मदद करें आपका, कुछ मदद करना आपका क्या, आपको रहने के लिए कोई मदद करना है? हम मदद करना, हम आपका मदद करेंगे। हम अभी बात करेंगे, ठीक है? आप जाएंगे? हम जहाँ व्यवस्था करेंगे वहाँ पे जाएंगे। आप चले जाएंगे? चलिए हम बात करते हैं, ठीक है? बात करते हैं, मिलाते हैं उनका नंबर। ज़रा मिलाओगे क्या नंबर, या मुझे बता दोगे? ज़रा मुझे नंबर दो। हाँ जी, कोई भी नहीं है? कोई भी। आप पूरा दिन यहीं पे रहता है? कितना दिन हो गया बाबा? हम तो और क्या बोलेगा, नहीं, यहाँ कितना दिन हो गया यहाँ पे हॉस्पिटल में? यहाँ हॉस्पिटल में 4 दिन 5 दिन हो गया, 4-5 दिन हो गया। हम चलना नहीं सकता। अच्छा, हम ठीक है, आप जाएंगे ना? ठीक है, हम ज़रा नंबर मिलाएंगे, अभी बात करने की कोशिश करेंगे। नंबर है 99। चलिए हम बात करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि फ़ोन कौन उठाता है। हेलो, तो चलिए बाबा, हमने बात की है। हाँ, आपको मंगलवार को जो ओल्ड एज होम है ना फरारगंज में, हाँ, वहाँ पे आपको रखा जाएगा, खाना मिलेगा, रहने का व्यवस्था है, आप वहाँ रहेंगे? हाँ रहेंगे। अभी हम अस्पताल में बात करेंगे आपको एक जगह देने के लिए, बेड, ठीक है? और आपको मंगलवार को ले जाएंगे, आप यहाँ पे रहेंगे अभी, ठीक है? हम अभी हॉस्पिटल में बात करते हैं, ठीक है? आपके लिए व्यवस्था करते हैं, ठीक है? हाँ, आप यही रहिएगा। तो चलिए हम ज़रा बात करेंगे और इजाज़त लेंगे डायरेक्टर सोशल वेलफेयर के जो ऑफिसर है, अधिकारी कंसर्न अधिकारी से अभी हमारी बात हुई, जो और बात उन्होंने कहा है कि कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो हमें पूरा करना होता है। इनका फ़ोटो और आधार कार्ड वगैरह जो तमाम प्रक्रिया हम पूरी करेंगे, और अभी जो है फ़िलहाल तुरंत मेडिकल डिपार्टमेंट से बात करके उनको कोई इमरजेंसी में कोई बेड
दिया जाए वो व्यवस्था हम करेंगे, और उसके बाद आपको हम जानकारी देंगे। हम उसके बाद बताएंगे, इस वक्त हम आपसे बात कार्रवाई होने के पश्चात करेंगे। चलिए, आखिरकार हमने इनके लिए जो बुज़ुर्ग व्यक्ति इस वक्त 4 दिन से वहाँ आपको बताया कि रोड में पड़े थे, इनका नाम राजा राव है और इनका कोई नहीं है इनका कहना है। और साथ ही अभी आपको रवैया मैं बताना चाहूँगा, डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर के हमने उनसे बातचीत की, आप सोच सकते हैं कि डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेयर जिनका काम है, ड्यूटी है कि वो डेस्टिट्यूट बेसहारा लोगों को सहारा दे, उनके लिए कोई बंदोबस्त करे और इनके लिए उनके पास सुविधाएं उपलब्ध हैं, ओल्ड एज होम में बेड मौजूद है, पर्याप्त सुविधाएं मौजूद है, बावजूद इसके उन लोगों ने ये कहा कि आप आधार कार्ड राशन कार्ड वगैरह जमा कीजिए, हम मंगलवार को उनको वहाँ पे भर्ती करेंगे। इसके बाद हमने तमाम कोशिशें की, डॉक्टर साहिबा थी उनसे बात की, उसके बाद डॉक्टर ओमकार सिंह सर से भी हमने बात की जो पूर्व हमारे डायरेक्टर हेल्थ सर्विस रहे हैं, अभी एनिम्स में जुड़े हैं, उनसे बात की, उन्होंने इंसानियत दिखाई। उनका पहले कहना ये था और जो बिल्कुल सही कहना था कि जब व्यक्ति लाचार है, बेबस है, बेसहारा है, उस वक्त में उनको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। एक इंसान जो पेड़ के नीचे पड़ा हुआ है उसे वहाँ से तुरंत रेस्क्यू करना और ले जाना, बंदोबस्त करना उनके रहने का, ये उनके जिम्मेदारी है डायरेक्टर सोशल वेलफेयर के। बावजूद इसके उन्होंने इंसानियत दिखाई और बाकायदा डॉक्टर साहिबा जो यहाँ पे कैजुअलिटी में ओपीडी में ड्यूटी में मौजूद है उनसे बात की, और अब जाके उनका एडमिशन, उनको मंगलवार तक के लिए यहाँ पे एडमिट किया जा रहा है। और उसके बाद हम ये फॉर्मेलिटीज़ पूरी करेंगे और सवाल वही रहेगा डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेयर से कि जब एक बेसहारा को रेस्क्यू करने की वक्त आती है तो सैटरडे संडे ये कहाँ से बीच में आ जाता है? क्या सैटरडे और संडे ही इंसान मजबूरी में नहीं रहता है या उसके साथ कोई हादसा नहीं होता है सैटरडे या संडे को? सैटरडे संडे इनके लिए नहीं होना चाहिए, ये सामाजिक कार्य से जुड़े हैं और विपदाओं से जुड़े हैं। जहां कोई मसला और गंभीर मसला और इमरजेंसी पड़ता है डायरेक्टर सोशल वेलफेयर को उनकी टीम वहां पे आनी चाहिए, रेस्क्यू करनी चाहिए। जो रवैया उनका है ये मानने योग्य नहीं है, ये सवालिया निशान खड़े करते हैं डायरेक्टर सोशल वेलफेयर पे और उसके कार्यशैली पे, कार्य पद्धति पे। लेकिन वही दूसरी ओर जो हम आम तौर पे लगातार इल्ज़ाम लगाते हैं DHS डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस पे और उनके कार्य पद्धति पे, लेकिन आज उन्होंने इंसानियत दिखाई हमारे DHS, और ख़ासकर धन्यवाद डॉक्टर ओमकार सिंह सर को देना चाहेंगे हम, जिन्होंने तुरंत बंदोबस्त किया और अब इनको एडमिट कराया जा रहा है और बाकी इनके कार्रवाई जो ज़रूरी कार्रवाई है वो हम आगे करेंगे। लेकिन ये तमाम जानकारियां आपको भी देनी ज़रूरी थी, इसलिए हम ये आप तक पहुंचा रहे हैं। आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, आप इस न्यूज़ को देखने के बाद क्या ऐसा रवैया डायरेक्टर सोशल वेलफेयर का सही है या गलत है, और जो हमारे एनिम्स के डॉक्टर ओमकार सिंह सर ने और यहाँ के डॉक्टर मैडम ने कहा है और जो किया है इस डिस्ट्रीट्यूट के लिए, क्या वो तारीफ़ काबिल नहीं है? अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ मैं अनुप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक।